नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुग्रह ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। ओलावृष्टि वे अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर अनूपगढ़ SDM कार्यालय के सामने किसानों ने लगाया धरना। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनुग्रह ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी के सामने सुबह 10 बजे रायसिंहगढ़ विधानसभा के विधायक बलबीर लूथरा, अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान, युवा नेता नरसी राम नायक, जिला महामंत्री अविनाश डाबी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल, मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, रामगढ़िया समाज के अध्यक्ष गब्बर सिंह, गड़साना के किसान नेता तथा विभिन्न पंचायतों से पहुंचे सरपंचगण, विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे जल संगम अध्यक्ष, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जनप्रतिनिधिगण वे भारी संख्या में उपस्थित हुए किसान और महिला शक्ति तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। किसानों ने सरकार से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि का विशेष गिरदावरी कर नुकसान का आंकलन करवाया जाए। वे जिन गरीब किसानों और परिवारों के मकान अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण ढह गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से आंकलन कर सहायता दी जाए, परंतु 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी किसानों की बात सुनने के लिए नहीं पहुंचा। 12:30 बजे के पश्चात पुलिस प्रशासन डंडे लेकर किसानों को धमकाते हुए प्रवेश किया तो किसान सभा के लोग उग्र हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बीच किसान सभा के लोग प्रशासन से नाराज होकर ज्ञापन मीडिया बंधुओं को दिया। वे मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि अगर अति शीघ्र हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इसी बीच युवा नेता नरसी राम नायक ने कहा कि पिछले 4.5 साल से राजस्थान में कांग्रेस सरकार का राज है और उन्होंने भी पिछले 54 महीनों में अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते लड़ते सड़क पर आ गए। चुनाव के समय उन्होंने एक वादा किया और 1 से 10 तक की गिनती की गिनी और कहा जैसे ही 10 दिन आएंगे सभी किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, बिजली की दरें आधी हो जाएगी, फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। परंतु स्थिति कुछ अलग ही रही। आज किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसे समय पर बिजली नहीं मिलती, सैकड़ों किसानों की जमीनें कुर्क हो गई है। आज किसान इस धूप में बैठकर अधिकारियों का इंतजार कर रहा है ताकि वह अपनी मांग उन्हें बता सके। किसानों का दर्द कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी तानाशाह निरंकुश अत्याचारी भ्रष्ट सरकार की विदाई का समय आ गया है। अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो किसानों की हक की लड़ाई के लिए सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं रायसिंहगढ़ विधायक बलबीर लूथरा ने प्रशासन को खरी खोटी सुनाई और ज्ञापन माननीय राज्यपाल के नाम का उपखंड अधिकारी को सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विजय नेता, जिंदाबाद। विजय नेता, जिंदाबाद। विजय नेता। हम लोग रायसानगर और अनूपगढ़ विधायिका के नेतृत्व में अनूपगढ़ किसानों पिछले कुछ दिनों में हुई अतिवृष्टि ओलावृष्टि को लेके हम लोग आज किसान लोग किसान भाई लोग इकट्ठे हुए थे और हम लोग 10 बजे पूर्णता यहाँ उपस्थित हो गए थे और प्रशासन को सूचना थी और अब लम्ब समय 1 बज गया। 1 बजे तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित नहीं था SDM ऑफिस और इसके साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारी डंडे लेके यहाँ उपस्थित हुए और बदतमीजी कर रहे थे किसान भाइयों के साथ। तो इस प्रकार का विवाद यहाँ देखने को मिला। ये जो राजस्थान में जो कुप्रशासन भ्रष्टाचार है ना, ये बिल्कुल अपनी चरम को भी लांग चुका है, चरम सीमा को भी लांग चुका है। इस प्रकार का दृश्य है आप सब पत्रकार भाइयों ने भी आज यहाँ देखा है। अब हम लोगों ने आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो ज्ञापन है हमें इस सरकार को भेजने का प्रयास हम लोगों ने किया है। अगर ये प्रशासन और सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय इससे भी एक उग्र आंदोलन किया जाएगा और किसान भाइयों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे।
का अपमान किया और हाथ में डंडे ले लेके पुलिस आए। हमारा आंदोलन शांति प्रिय था। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है, वो कभी दंगा फसाद करने में विश्वास नहीं रखती है। पर इन लोगों ने जबरदस्ती हमें उकसाने की कोशिश की कि ये प्रवोक उकसे और हम पर कोई ऐसा इल्जाम लगाएं ताकि हमारे पर मुकदमे दर्ज किए। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, मुकदमे से हम डरते नहीं हैं। यदि हम अपराध करेंगे, हम गलत काम करेंगे, आप मेरे खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज करोगे। और इस किसानों की हितों की लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान है, मेरे जिस्म में खून है, तब तक साथियों आप लोगों के हकों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। निर्णय आप सबके साथ अब मिलकर के किया है, क्योंकि प्रशासन ने सरेआम अपना अपमान किया है। ये जनता यहाँ अपनी मांग लेकर के पहुंची है, लेकिन अधिकारी देखिए कितनी इनकी निरंकुशता है कि ये लोग सरेआम लास्ट में डंडे लेकर के आकर के खड़े हो गए और किसानों का इतना अपमान कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि खड़े उनका अपमान कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है जिसका जवाब हमें इनको देना है।